एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एंटी टैन फेशियल करने वाली हूँ। VLCC एंटी आता है सो उससे आज मैं अपना फेशियल करूँगी बिकॉज बहुत नियर है हमारा कोलकाता का दुर्गा पूजा। सो उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कैसे करती हूँ आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग गाइस एंड सॉरी फॉर द नॉइस क्योंकि हमारे आसपास इतना मतलब ऐसा नहीं है कि एक साउंड नहीं आता है, मतलब खुला जगह है बहुत। सो इसके लिए बहुत थोड़ा नॉइस है मतलब सुन रहे हो आप आवाज़। सो सबसे पहले जो फेशियल में हमें स्टार्ट करना पड़ता है सो फर्स्ट स्टेप उसका होता है फेस वॉश। ये नेचुरल है सबको मालूम होता है बट फिर भी हम एक डेमो देते हैं फेशियल का तो स्टेप बाय स्टेप हमें बताना जरूरी होता है। सो ये यहाँ पे मैं अपना गुड वाइब्स का टर्मरिक फेश मतलब जो क्लींजर है फेस वॉश है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए लिया था एंड दिस इज़ 4 मंथ एंड आई एम यूजिंग दिस। दिस इज़ वेरी गुड फॉर द नॉर्मल स्किन जिसका स्किन थोड़ा सा मतलब फेस वॉश करने के बाद ड्राइनेस फील होता है और मतलब थोड़ा सा रुखा रुखापन आता है तो इससे वो कुछ भी फील नहीं होता है मुझे एंड आई जस्ट लव दैट। मुझे बहुत पसंद है ये फेस वॉश। सो इसके लिए मैं कोई भी फेशियल करूँ तो जो फेशियल का एक्चुअली उसमें फेस वॉश होता नहीं है जब हम कोई भी किट यूज़ करते हैं सो उसमें क्लींजर होता है। सो क्लींजर एक्चुअली जब थोड़ा विंटर होता है तो उस टाइम में यूज़ करना बेटर होता है क्योंकि उस टाइम में स्किन हमारा नॉर्मली विंटर से ड्राई होता है। सो इसीलिए वो क्लींजर यूज़ करने से मॉइस्चर जैसा फील देता है। सो अभी थोड़ा समर है, विंटर आया नहीं है सो इसीलिए मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। कोई भी फेशियल करूँ मेरा यही फेवरेट हमेशा फेस वॉश रहता है। सो इसको मैं अभी वॉश करूँगी। सो ये मेरा क्वांटिटी फेस वॉश का, अभी मैं इससे फेस वॉश करूँगी। ये मेरा क्वांटिटी स्क्रब का, आप देख सकते हो इसको भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। सो इसे भी आपको उसी तरह से यूज़ करना है जैसे मैंने फेस वॉश किया था क्योंकि आप जब भी अच्छे से यूज़ करते हो ना तो वो उसका कुछ बेनिफिट नज़र आता है कि कुछ आप कर रहे हो फेस पे। ऐसा नहीं कि जल्दी 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 करने से ना वो वेस्ट होता है प्रोडक्ट भी। सो मैंने इस तरह से पूरे फेस पे पहले इसको लगा लूँगी। और मैं नेक के लिए कुछ नहीं लूँगी, बस इसे देखो ये जो हेयर है ना, एक्चुअली मेरा हेयर जो है वो तो एक्स्ट्रा हमेशा छोटे छोटे हेयर है ना वो ग्रो होते रहते हैं। सो मैं एक्स्ट्रा स्क्रब नहीं लूँगी मेरे नेक के लिए, मैं इसी से करूँगी। सो ये जो है मैं इसे 2 मिनट ऐसे छोड़ देती हूँ, उसके बाद 2 मिनट है मेरे पास, मैं उस टाइम में मैं अपना स्टीम ले लेती हूँ और स्क्रब के ऊपर स्टीम लेने से अच्छा होता है। सो मैं पहले अपना स्टीम ले लेती हूँ। यहाँ पे स्टीम ले लिया है, अभी मैं इसे स्क्रब करूँगी। सो आपको जब स्क्रब करते वक्त इसे बहुत ही हल्के हाथों से स्क्रब करना है। सेम इसे आपको 3 मिनट तक स्क्रब करना है। और इसे नोज़ के पास भी बहुत अच्छे से स्क्रब करना है बिकॉज यहाँ पे व्हाइटनेस ब्लैकेट्स होते हैं। नॉर्मली स्क्रब के बाद हमें ब्लैकेट्स वाइटनेस रिमूव करने होते हैं इससे। सो ये आज मैं जब से मतलब इस फील्ड में ज्वाइंट हुई हूँ मैं तब से ये कभी आज तक यूज़ नहीं की हूँ, कभी भी नहीं की हूँ। सो इसलिए मैं कब आपको मेरे जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें मैं ये इसका यूज़ कभी मैं नहीं की हूँ। सो इसलिए मैं यूज़ नहीं करना चाहती बिकॉज एक तो मेरे इतने ज़्यादा ब्लैकेट्स वाइटनेस नहीं है और दूसरी बात मुझे बहुत ज़्यादा इससे पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सो मैं हमेशा मैं अपने ब्लैकेट्स वाइटनेस रिमूव करने के लिए मैं मेरे पास कुछ डिफरेंट सा प्रोडक्ट है जिसे मैं लगा के वो नेचुरली मेरा रिमूव हो जाता है। सो इसका यूज़ मैं नहीं करूँगी। सो आप लोग कर सकते हो अगर आपके ज़्यादा हैं सो आप लोग कर सकते हो। थर्ड स्टेप है वो है आपको मेला वाइट का पाउडर मिलेगा एंटी टैन किट में VLCC का। सो ये कटा हुआ है मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैं इसका कुछ यूज़ ना करूँ बट ये जो है ना 100% इसका रिजल्ट देता है। सो इसलिए मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ, इसे कटा हुआ है। सो इसके बाद मैं इसे ये यूज़ करूँगी। इसके अंदर जो पाउडर है आपको उसे नॉर्मल वाटर में नहीं, अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप लाइक रॉ मिल्क ले लो या फिर मिनरल वाटर लो। सो मेरे पास रोज़ वाटर है तो मैं इसे रोज़ वाटर में अच्छा से उसको एक मिक्सअप बनाऊँगी, तो मतलब ज़्यादा नहीं बनाना है पानी पानी, बस थोड़ा सा थिकर होना चाहिए। इसे मैं अपने फेस पे आप देख सकते हो। सो ये
इसके बाद मैं यहाँ पे मेरे पास एम्पल्स है तो मैं ये यूज़ करूँगी। एक्चुअली BLCC किट में आपको इसके बाद आपको मसाज करना पड़ता है, मसाज के बाद पैक होता है। सो सब उसके पहले मैं इसे यूज़ करूँगी। ये एक्सटर्नल यूज़ है, ये मेरा ट्रेनिंग के दौरान मुझे ये एम्पल्स मिला था। सो मैं इसे यूज़ करूँगी, इससे थोड़ी देर मसाज करूँगी, उसके बाद मैं मसाज के इनसे मसाज करने के बाद मैं पैक लगा।